नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आपके लिए अपनी ऑफसेट की क्यू बैंड डिस्प्ले लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक किया है। और दोस्तों, इस सैटेलाइट पे काफ़ी सारे चैनल है जो नए ऐड हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इस सैटेलाइट को सेट करने के लिए कौन सी स्ट्रॉन्ग टीपी है और किस तरह आप अपनी ऑफसेट की क्यू बैंड डिस्प्ले लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये आपको डिस्क की फाइनल पोजीशन देख लीजिए, कुछ इस तरह से रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बग्गा बंधु 119 सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक कर लेना है। फिर आप डिस्क के पीछे हो तो डिस्क को हल्का सा आपको लेफ्ट साइड मूव करना है और हल्का सा आपको डिस्क को डाउन करना है, तो आपको लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट मिल जाएगा दोस्तों। तो अब आपको मैं एलएमबी की पोजीशन दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक करना है तो आपको एलएमबी की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी है। ये देख लीजिए, आप लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में ये इसके लेयरिंग होना जरूरी है दोस्तों। ये दोस्तों ऑफसेट डिस्प्ले सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए स्पेशल आता है। ये इसके लेयरिंग आपके पास में होगा तो आपको बहुत ही अच्छे सिग्नल मिलेंगे। तो अब आपको मैं इसका साइड व्यू बता देता हूँ दोस्तों। इसका साइड व्यू कुछ इस तरह से रहेगा, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। और इसका पीछे का एलिवेशन कुछ इस तरह से रहेगा, ये देख लीजिए आप, जिस एकदम नीचे की साइड झुक जाएगी दोस्तों। दोस्तों, ये यहाँ पे 119 बग्गा बंधु सैटेलाइट सेट होगा। और अगर आप डिस्क के पीछे हो तो डिस्क को हल्का सा आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे करेंगे और हल्का सा डिस्क को डाउन करेंगे तो आपको लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको मैं इस सैटेलाइट को सेट करने के लिए कौन सी स्ट्रॉन्ग टीपी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव बताता हूँ। ये देख लीजिए आप, डिस्क की वायर है ये यहाँ से होती हुई, ये देख लीजिए आप, मेरे MPG4 बॉक्स के अंदर लगी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को ट्रैक करना है तो आपको अपने बॉक्स के अंदर ये टीपी डालनी है दोस्तों। फ्रिक्वेंसी आपको 3651 रखना है, पोलराइजेशन वर्टिकल रहेगा, उससे हमले रेट आपको 12000 रखना है दोस्तों। इस टीपी को लगाकर आप लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को आराम से ट्रैक कर सकते हो। ये देख लीजिए आप, इस टीपी के बहुत ही अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं मेरे को, करीब 91% सिग्नल मिल रहा है, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, हम चलते हैं टीवी की ओर, देखते हैं इस सैटेलाइट पे मेरे को कितने चैनल मिल रहे हैं, वो मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं टीवी की ओर। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो लाउड सेट 128 सी बैंड सैटेलाइट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब स्कैन मार के देखते हैं कि सैटेलाइट पे मेरे को कितनी टीपी मिलती है और कितने चैनल मिलते हैं, वो आपको मैं सारा डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, ब्लाइंड स्कैन करते हैं। ये दोस्तों, ब्लाइंड स्कैनिंग जारी है, देखते हैं कितने चैनल मिलते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आप, पहली टीपी आ चुकी है 3651 वर्टिकल 12000, ये दूसरी टीपी भी आ चुकी है 3637 वर्टिकल 4800। देखते हैं कि सैटेलाइट पे कितनी टीपी मिलती है। तो दोस्तों, इस सैटेलाइट पे मेरे को टोटल 2 टीपी मिली है, ये देख लीजिए आप, एक चैनल आ चुका है और ये देख लीजिए आप, 32 चैनल मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इस सैटेलाइट पे मेरे को 2 टीपी मिली है और 32 चैनल मिले हैं, ये देख लीजिए 1 नंबर चैनल और ये देख लीजिए 32 नंबर चैनल।